मेरा भैया है जे, जा रहे हैं अभी जो वीडियो बनाएंगे और जो अच्छी अच्छी कब्रिस्तान के बारे में, मुर्दे के बारे में ये बताने जा रहे हैं और समाप्त कर सकते हैं आप, और जो अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। और इनके चैनल को अगर आप हमारे भाई के चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पक्का कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और जो ऐसी अच्छी चीज बताएंगे आप लोगों को, और मुर्दा मरने के बाद जब दफन करने जाते हैं तो वो मुर्दा क्या कहता है, मुर्दे सब लोगों से चीख चीख के बहुत एक गुजारिश करता है, और वो बताने जा रहे हैं। हमारे गुलाम हसन भाई अभी आ रहे हैं, अब वो बताएंगे आप लोगों को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, जो कि वो उनको भी इस बात की जानकारी मिल जाए, और इस जो बताएंगे हमारे भाई उस पर अमल जरूर कर लेना, और अमल कर लेना और दिमाग में फांस लेना और नमाजें पढ़ना, और जो बताएंगे आपको हैरानी हो जाएगी मुर्दा क्या कहता है जब आप लोग दफना के चले जाते हो, और प्यार से मोहब्बत के साथ गुसल देते हो मुर्दे का और जनाजा उठा के लेके आते हो धीरे धीरे। अब ये हमारे आ रहे हैं भाई, और ये बताएंगे, ये गुलाम हसन भाई ये हमारे, और ये बताएंगे जो जो बताएंगे उस पर अमल करना जरूर करना, और वीडियो जो अच्छी लगेगी तो लाइक तो करना बनता है, लाइक करना पक्का। आ जाइए। इतनी से बता दो, मैंने इनको बता रखा है ना, अब ये बताएंगे आप अमल करेंगे, अमल करेंगे, अमल करेंगे ना जी, अमल, हाँ अमल करेंगे, अच्छा करेंगे, अमल करना, अमल करना, देखो भाइयों अमल जरूर करना। अरे नहीं करेंगे जी, अमल अमल करेंगे, करेंगे अमल करेंगे, करेंगे अमल करेंगे। अरे मैम सच में करो ना, चलो फिर बाद में करना, यहाँ लेना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुर्दा यानी पुराने मुर्दे नए मुर्दे से क्या कहते हैं? जब किसी का इंतकाल होता है तब उसकी हर हर रग दुखती है। अब उसको इतनी परेशानी होती, यानी जिंदे से ज़्यादा मरने वाले को तकलीफ महसूस होती है। अब उस वक्त तलाश करता होता है कि कौन शख्स मेरे लिए दुआ कर रहा है, कौन शख्स मेरे लिए कुरान पढ़ रहा है, कौन शख्स मेरे लिए तस्बीह पढ़ रहा है। अब कुछ लोग जो उसके ज़्यादा करीबी होते हैं वो क्या करते हैं, रोते हैं, लेकिन वो उस वक्त उनको नहीं देखता कि कौन कौन मेरे लिए रो रहा है, बल्कि वो तलाश करता होता है कि कौन कौन शख्स मेरे लिए दुआ कर रहा है, सवाब पहुंचा रहा है। जब कोई शख्स पानी में डूबकर मर रहा होता है तब उसको तलाश रहती है कि किसी कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिससे मेरी जान बच सके। वो एक मिसाल है कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है, इसी तरह से वो तलाश करता होता है कि कोई चीज़ मुझे ऐसी मिल जाए जिससे मैं बच सकूं, बचने का वो सहारा देखता है। इसी तरह से मरने वाला दुआ दुआ की तलब में रहता है, सवाब की तलाश में रहता है कि कौन कौन शख्स मेरे लिए दुआ कर रहा है। तो देखिए, रोया मत किया करो, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया करो, कुरान मजीद पढ़ के मैयत के लिए दुआ किया करो, इसी में उसको सुकून मिलेगा। जब उस मैयत को कब्रिस्तान ले जाया जाता है, जब कब्र में दफना कर जब वो लोग चले जाते हैं, तो वही मुर्दा चीख चीख कर कहता है, ऐ जाने वालों कहाँ जा रहे हो, ये दुनिया धोखा है, दुनिया फानी है, गफलत में मत रहना, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करना, नमाज रोज़े को कायम करना। चीख चीख कर कहता होता है कि ये दुनिया फानी है, गफलत की चादर मत ओढ़ लेना, जिस तरह से मैंने कुछ नहीं किया और गफलत की चादर ओढ़े मैं चला आया और मैंने दुनिया को छोड़ दिया। जब वो लोग चले जाते हैं, अब जो पुराने मुर्दे होते हैं वो नए मुर्दे से कहते हैं, नए वाले मुर्दे से कहते हैं, जिस तरह से तू अभी चीख रहा था इसी तरह से हम भी चीख रहे थे और हिदायत कर रहे थे कि दुनिया फानी है, दुनिया धोखा है, गफलत की चादर मत ओढ़ लेना, दुनिया में जा तो रहे हो, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करना, नमाज रोज़े को कायम करना, हम भी इसी तरह से चीख रहे थे। अब वो शख्स जो है, वो भी नया मुर्दा जो होता है, वो एक वक्त आता है गल सड़ जाता है, गल जाता है, लेकिन रूह हमेशा कायम रहती है, ये याद रखना। अब जो लोग दफना कर जा चुके होते हैं, उन्हीं में से कोई शख्स जब किसी का इंतकाल होता है, वो शख्स जब कब्रिस्तान आता है, तब उससे पुराने मुर्दे वही सवाल वही हिदायत करते हैं, वही बातें करते हैं। तो इसी तरह से सिलसिला ये चलता है।
और चलता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हिदायत अता फरमाए, हमें नमाज की तौफीक अता फरमाए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर कायम उदायम फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैंने आप लोगों को बताया था ये बात बताएंगे और इन्होंने वही बात बताई, मगर इन्होंने इस इरादे से बताया जो कि आप अमल करो। अमल करना बहुत जरूरी बात होती है, अगर तुम अमल नहीं करोगे ये क्या इस कान से सुन ली इस कान से निकाल दी, इनका बताना बेकार है। हाँ वैसे तो तुमको अगर अमल नहीं करोगे तो बताना बहुत बेकार है, क्या फायदा, अमल करो नहीं और हम बोले पढ़े बताए पढ़े, इसीलिए हम भी अमल करें तुम भी अमल करो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारी जो है हिदायत फरमाए, अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।